हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री। सो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, दैट इज एडवांस लेवल प्रॉब्लम एंड कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही जबरदस्त होगा, और वो सारे बच्चे जिन्होंने बेसिक्स को पूरा एकदम थ्योरी लेवल पूरा कंप्लीट कर लिया है, अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं स्कोर केमिस्ट्री में, सारे बेसिक थ्योरी के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, दैट मीन्स वेपर प्रेशर क्या होता है उन्होंने ये देख लिया, उन्होंने ये देख लिया कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीजें दोस्तों आपने अगर प्रीवियस लेक्चर में देख ली है, तो अब बच्चों आपको ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आइए चलिए दोस्तों अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज बच्चों, मेरी यूट्यूब की फैमिली, मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली जिनके साथ मैं ये लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, प्लीज बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, वो सारे बच्चे जो क्लास 11th और 12th में हैं, बच्चों जाएं अभी प्ले स्टोर पे जाकर के स्कोर केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, स्कोर केमिस्ट्री ऐप में बच्चों आपको बहुत सारे कस्टमाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे, कई सारे फ्री सेशंस भी होंगे बच्चों हम लोगों के, सो दैट आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। कई बच्चों को जीओसी में प्रॉब्लम होती है, बेटा जीओसी का पूरा कंटेंट मैं फ्री कर दूंगा, सारे उसके वीडियो लेक्चर्स फ्री होंगे। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें जो भी मुझे लगता है बच्चों के लिए डिफिकल्ट चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं फ्री कर दूंगा। सो प्लीज, वेट क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके स्कोर केमिस्ट्री में प्ले स्टोर पे जाकर के स्कोर केमिस्ट्री आपको बच्चों तुरंत डाउनलोड करिए। अच्छा, ये तो होगी केमिस्ट्री की बात, बट बेटा मैथ्स में भी आपको 360 IIT जी मैथ्स वाले ऐप को भी बेटा डाउनलोड करना है, जो कि हमारे अपने प्यारे विनय सर का ऐप है, उसको भी दोस्तों डाउनलोड करना है, सो दैट वहां पे आपकी मैथ्स की पढ़ाई भी खूब जबरदस्त तरीके से चले। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अब चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो आ गए हम लोग अपनी पहली प्रॉब्लम पे, ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कंसेप्ट पे। और बच्चों ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हम एक नए कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग कुछ नए नए एडवांस लेवल के कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये है हमारा कंडेंसेट प्रॉब्लम वाला कंसेप्ट। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर आप इस सवाल को देखें जो कि आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, टाइप किया हुआ पूरा सवाल आपको बेटा ऊपर आ रहा है। बेटा इस सवाल में हमको क्या देखो, सबसे पहले हमको दो लिक्विड्स हैं ए और बी का, जो कि आइडियल सोल्यूशन बना रहा है। ठीक है, और 100 डिग्री पे बेटा इनका कुछ डेटा गिवन है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो 100 डिग्री पे दो लिक्विड्स हैं ए और बी, जो कि एक आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। अच्छा, इनके पी नॉट ए पी नॉट बी हमको दे दिए, दैट इज वेरी गुड फॉर अस। ठीक है, अब बेटा हमको इस लिक्विड का वेपर फेज का कंपोजिशन दिया हुआ है, कि इस लिक्विड के जो वेपर्स हैं वहां पर ए के वेपर, ए के मोल्स 1 है और बी के मोल्स 1 है। सो वेपर्स का कंपोजिशन हमको दिया हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इन वेपर्स को दोस्तों हमने क्या किया, हमने इन वेपर्स को कलेक्ट किया है और कंडेंस कर दिया, मतलब हमने इन वेपर्स को समहाउ कलेक्ट करके ठंडा कर दिया है, तो हमने एक लिक्विड बना दिया। ठीक है, कि कंडेंसेट हमने बना दिया। अब हमने इस कंडेंसेट को दोबारा से गर्म किया है, और दोबारा से गर्म करने के बाद जो उसके वेपर्स होंगे उनको हमने अगेन से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और इस लिक्विड को हम कह रहे हैं एल। और उसके बाद अब इस लिक्विड एल में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमसे पूछा जा रहा है, कि इस लिक्विड एल में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त बच्चों कंसेप्ट होता है, जो कि हम कंडेंसेट टाइप की प्रॉब्लम के अंदर इसको कैरेक्टराइज करते हैं। तो आइए चलिए इस कंसेप्ट को सीखते हैं। आज तक इसके ऊपर कोई IIT JEE एडवांस में कोई प्रॉब्लम तो बनी नहीं है, बट यस डेफिनेटली बेटा आगे बन सकती है। ठीक है, तो आइए चलिए इस कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीन क्या है, हम लोग इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग पूरा फ्लो चार्ट में बना लें, सो हमारे पास अभी राइट नाउ लिक्विड L1 है। ठीक है, हमारे पास दोस्तों राइट नाउ लिक्विड L1 है, मैं इसको चलिए स्मॉल लेटर से कहता हूँ। सो राइट नाउ हमारे पास लिक्विड L1 है। यहाँ पे बेटा अभी मोल फ्रैक्शन क्या है, वी हैव नो आइडिया। यहाँ पे बेटा अभी एक्स ए एक्स बी क्या है, नहीं आइडिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो ऊपर से ऊपर ऊपर हमको क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1। सो दैट मीन्स ऊपर के जो मोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, 1 मोल A 1 मोल B, अगर मोल्स 1 है तो मोल फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/2 हो जाएगा। सो YA YB की वैल्यू 1/2 1/2 होंगी लिक्विड L1 में। अब दोस्तों तुमने क्या किया, तुमने इन वेपर्स को लिया और somehow तुमने इनको ठंडा कर दिया। सो आपके पास ही कंडेंसर है जिसके चारों तरफ पानी बह रहा है, जो कि इन वेपर्स को ठंडा कर देगा। ठंडा करने के बाद ये जो लिक्विड्स होंगे इनको हमने एक दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर दिया है, हमने इनको बेटा एक दूसरे बीकर में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब इस बीकर में जो लिक्विड आया है उसको हमने कह दिया L2, उसमें जो लिक्विड आया L2, यहाँ पे कंपोजिशन क्या होगा, वी हैव नो आइडिया। यहाँ पे वेपर्स बनेंगे। ठीक है, वेपर्स आर
कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड, तो ये हमारे वेपर से यहाँ पे कलेक्ट और कंडेंस हो गए। उसके बाद कंडेंसेट इज अगेन हीटेड एट 100 डिग्री एंड वेपर्स आर अगेन फॉर्म। तो यही सारी की सारी स्टोरी हमारी दोबारा से होगी, और दोबारा से होने के बाद हम एक और लिक्विड बनाएंगे, ठीक है, दोबारा से होगी और हम लोग एक और लिक्विड बनाएंगे। कंडेंसेट इज अगेन हीटेड एंड वेपर्स आर अगेन कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड एल। सो हियर इज लिक्विड एल। सो बेटा ये जो L3 है, दिस इज हमारा लिक्विड एल है। सवाल में ये जो L3 है, यही हमारा बेटा लिक्विड एल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से हमारे पास वेपर्स हमारे पास आए और हमने इनको कंडेंस कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि इस लिक्विड एल में मोल फ्रैक्शन ऑफ एन वेपर्स ऑफ एल। सो यहाँ पे हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड L3 हमको बताना है। सो यहाँ पे हमको YA और लेट से YB की भी वैल्यू हमसे पूछ लेता है, तो YA YB की वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। सो दैट इज द एंटायर बेटा फ्लो चार्ट। इस सवाल में क्या हो रहा है, पहले आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है। उस लिक्विड के वेपर्स हैं, इन वेपर्स को हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके दोबारा से वेपर्स बनाए, फिर उसको दोबारा से कलेक्ट किया, और उसके बाद जो कलेक्ट है वो हमारा लिक्विड एल है, और उस लिक्विड एल में हमको बताना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर्स क्या होगा, ठीक है गाइस। अब देखो बेटा यहाँ पे जो अल्टीमेट कंसेप्ट होता है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बेटा, अल्टीमेट कंसेप्ट ये होता है कि यहाँ पे जो लिक्विड बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो लिक्विड बन रहा है, ये लिक्विड क्या है, ये लिक्विड कुछ और नहीं बल्कि हमारा यही वाला लिक्विड है। ये जो लिक्विड है हमारा कुछ और नहीं बल्कि यही के वेपर्स ही दोस्तों हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। यही के जो वेपर्स हैं दोस्तों, यही वाले जो वेपर्स हैं वही दोस्तों हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। सो जो वेपर्स का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन यहाँ पे लिक्विड का हो जाएगा, ठीक है। सो वट एवर YA बेटा, जो यहाँ पे YA है, जो यहाँ पे YA YB है, वही यहाँ पर इस लिक्विड के कंपोजिशन को हमने कह दिया XA XB prime। यहाँ पे देखो लिक्विड स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसे X से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसे Y से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। ये एक जनरल ट्रेंड है जो किताबों में मिलता है। सो यहाँ का दोस्तों जो XA XB है वही यहाँ का YA था। सो जो यहाँ का YA है वही यहाँ का XA XB है। कंसेप्ट समझे, क्या कंसेप्ट था, जो यहाँ पे वेपर्स हैं वही तो वहां जाके लिक्विड बन जा रहे हैं, उन्हीं वेपर को तो तुम कलेक्ट करके ठंडा कर रहे हो नीचे। तो जो वेपर में कंपोजिशन है ए बी का, वही कंपोजिशन यहाँ पे लिक्विड का कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। सो वट एवर हमारा इस लिक्विड में एक्स ए एक्स बी है वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ वाले लिक्विड का प्रीवियस लिक्विड का वाई ए वाई बी, ठीक है। और यही चीज दोस्तों यहाँ पर भी लगेगी। दोस्तों देखो इस लिक्विड का वेपर कंपोजिशन क्या होगा, वाई ए प्राइम एंड वाई बी प्राइम। ये देखो सेकेंड लिक्विड है तो उसे एक्स ए एक्स बी प्राइम और लिक्विड वेपर का वाई ए वाई बी प्राइम। जो यहाँ का वाई ए वाई बी प्राइम है, जो यहाँ का वाई ए वाई बी प्राइम है वो इस लिक्विड का, वो बेटा इस लिक्विड का एक्स ए एक्स बी होगा। अच्छा, इस लिक्विड के एक्स ए एक्स बी को हम एक्स ए एक्स बी डबल प्राइम कह रहे हैं। तो यहाँ के वेपर यहाँ पे लिक्विड बन गए और यहाँ के वेपर यहाँ पे लिक्विड बन गए। सो बेसिकली ये हमारा कंसेप्ट होता है। सो प्रीवियस लिक्विड का वाई ए वाई बी नेक्स्ट लिक्विड का एक्स ए एक्स बी हो जाता है। ये होता है बेटा कंडेंसेट प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट। अच्छा, आपको बेटा याद होगा ना एक्स ए एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, वाई ए वाई बी का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और वाई बी का फॉर्मूला P not B X B upon P not A X A plus P not B X B, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो बेटा प्लीज तुरंत जाइए स्कोर केमिस्ट्री ऐप में, जो लाइव सेक्शन है क्लास 12 बैच में, जो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें जाकर के, जो मैंने अभी मैंने जो लास्ट जो लाइव सेशन लिया था उसमें मैंने इसको पूरा डिराइव भी किया हुआ। और एनीवेज जो बाकी बच्चे हैं वो बेटा किसी भी बुक में देखेंगे तो ये हमको डेरिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो आइए चलिए दोस्तों यहां से हम लोग अब शुरुआत करते हैं आगे के सवाल की। ओके गाइस, सो अब जब हमने इस कंसेप्ट को सीख लिया है तो आइए चलिए इसको हम लोग न्यूमेरिकली अप्लाई करते हैं। सो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आपके लिए एकदम कैलकुलेशन पूरी पूरी सॉल्व कर दी है। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन एकदम सीधा सीधा है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। बेटा देखो, पहले वाले लिक्विड में एक्स ए एक्स बी हमको नहीं पता है, हमें उसकी जरूरत भी नहीं, बट अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं।
बेटा वाई ए वाई बी दिया हुआ है, वाई ए वाई बी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया भाई ये होता है, तो इसमें वाई ए वाई बी की वैल्यू रखो, पी नॉट ए पी नॉट बी रखा हुआ है, दो इक्वेशन बनेंगे, दो वेरिएबल है, आराम से सॉल्व आउट हो जाएंगे। सो एक्स ए एक्स बी हमें निकालने का बेटा कोई मतलब भी नहीं है, हमसे पूछा भी नहीं गया सवाल में, तो एक्स ए एक्स बी के बेटा चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वाई ए वाई बी दिया था, और बेटा जो यहाँ का वाई ए वाई बी है वही बेटा यहाँ का एक्स ए एक्स बी हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, जो पहले लिक्विड का वाई ए है वही बेटा अगले लिक्विड का एक्स ए एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा मैंने एक्स ए एक्स बी निकाल लिया। अब इस लिक्विड का बेटा, अब इस लिक्विड के ऊपर वेपर्स का कंपोजिशन क्या होगा, इस लिक्विड के ऊपर वेपर्स का कंपोजिशन क्या होगा, तो बेटा अगेन मेरे पास इस लिक्विड का कंपोजिशन है तो उसके वेपर्स का कंपोजिशन मैं निकाल लूंगा आराम से। निकाल लिया मैंने, कौन से निकाल लिया, यही फॉर्मूला निकाल लिया। अब एक्स ए एक्स बी की वैल्यू 1/2 रख देंगे, पी नॉट ए पी नॉट भी दिया है, तो बेटा काम हो गया। उसके बाद इस लिक्विड के जो वेपर्स हैं वो इस लिक्विड का एक्स ए एक्स बी हो जाएगा, प्रीवियस लिक्विड के वेपर्स नेक्स्ट लिक्विड के कंपोजिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रीवियस लिक्विड के जो वेपर्स है वही नेक्स्ट लिक्विड का कंपोजिशन बन जाता है, तो ये यहाँ का एक्स ए एक्स बी हो जाएगा। अब यहाँ का एक्स ए एक्स बी आ गया, यही तो है हमारा लिक्विड एल, यहाँ का एक्स ए एक्स बी आ गया, तो बेटा यहाँ का हम लोग वाई ए वाई बी आराम से ये फॉर्मूला लगा करके अप्लाई कर लेंगे। अच्छा अब बेटा देखो इस सवाल के कंसेप्ट को भी समझते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बेटा इस सवाल का एप्लीकेशन क्या है। बेटा देखो पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू को अगर हम देखें, बेटा पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू को अगर हम देखें तो हम पा रहे हैं पी नॉट ए ज्यादा है। बेटा पी नॉट ए ज्यादा मतलब ए इज मोर वोलेटाइल, पी नॉट ए के ज्यादा होने का मतलब है ए ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल है अच्छी बात है, ज्यादा वोलेटाइल है तो अच्छी बात है। तो बेटा ऐसे में होता क्या है, जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को करेंगे, बार बार लिक्विड को गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा करेंगे, तो बेटा धीरे धीरे करके जो ए का कंपोजिशन है वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे करके बेटा ए का कंपोजिशन बढ़ता जाएगा। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ए इज मोर वोलेटाइल। सो जब आप बार बार लिक्विड को गर्म ठंडा करते जाओगे तो धीरे धीरे बेटा आप देख रहे हो कि ए का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। हाउ, यहाँ पे 50-50 है, यहाँ पे 75-25 हो गया, और यहाँ पे 90% 10% हो गया। और अगर यही कंसेप्ट बेटा तुम लोग, अगर बेटा यही कंसेप्ट तुम लोग 10 बार करते हो, अगर तुम लोग यही कंसेप्ट 10 बार करते हो तो 10 बार के बाद जो हमको डिस्क्रीट मिलेगा उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ए ही होगा, उसमें ए का परसेंटेज 99.99% तक आ जाएगा। और यही कंसेप्ट होता है हमारा बेटा फ्रैक्शनल डिस्लेशन का, दोस्तों यही कंसेप्ट होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्लेशन का। सो यही हमने इस सवाल के द्वारा फ्रैक्शनल डिस्लेट के कंसेप्ट को समझा। कंसेप्ट बेटा क्या हो रहा है कि भाई जो ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है वो ज्यादा वेपर्स के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, अच्छा, और जो नीचे लिक्विड रह जाएगा क्या, उसमें बी इनरिच होता जाएगा, क्योंकि ए तो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट होके आगे जाता जा रहा है, और जो बी है हमारा वो पीछे छूटता जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। तो दैट्स हाउ बेटा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है। और चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में इमिसिबल लिक्विड की तरफ। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट पे। और दोस्तों अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दिया करो यार, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता यार आप लोगों के लिए। अच्छा और प्लीज बेटा जाइए स्कोर केमिस्ट्री आपको डाउनलोड करिए, सो दैट आपको आगे भी इस तरह के वीडियो मिलते चले, आपको कस्टमाइज टेस्ट मिलते चले, फ्री टेस्ट पेपर्स मिलते चले, आपकी तैयारी घर पे अच्छे से होती रहे, ठीक है। और प्लीज बेटा स्कोर केमिस्ट्री आपको कैसे डाउनलोड करना है तो उसके लिए बेटा एक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैंने बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो स्कोर केमिस्ट्री आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या उसमें बैच कोड वगैरह डालना है, वो सारी इंफॉर्मेशन बेटा नीचे दिए गए वीडियो के नीचे दिए गए वीडियो में दिया हुआ है सारी चीजें, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट पे, ठीक है। सो अगला दोस्तों हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज केस ऑफ इनमिसिबल लिक्विड, ठीक है। चलिए इनमिसिबल लिक्विड के कंसेप्ट को शुरू करते हैं। भाई देखो सीन क्या है, अपने पास दो लिक्विड दिए गए हैं, पानी और हेक्सेन। बेटा पानी एक पोलर सॉल्वेंट है और हेक्सेन हमारा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये दोनों आपस में मिक्स होते ही नहीं है। इट इज जस्ट लाइक हेक्सेन इज जस्ट लाइक पेट्रोल, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जैसे पेट्रोल और पानी नहीं मिक्स होते, वैसे बेटा पानी और हेक्सेन भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, अच्छी बात है। अब अगर पानी और हेक्सेन बेटा आपस में मिक्स नहीं होते हैं, अब ऐसे में अगर हमने मान लो एक सोल्यूशन तैयार किया जिसमें कि हमने 2 मोल हेक्सेन लिया है और 3 मोल पानी लिया हुआ है, 2 मोल हेक्सेन लिया है और 3 मोल पानी लिया है, और हमसे पूछ रहा है कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा। दोस्तों यहां पर प्लीज ध्यान रखना, ये जो हमारे दो लिक्विड है दे आर इनमिसिबल लिक्विड। और प्लीज 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 बच्चों यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर दोस्तों जो पी सॉल्यूशन होगा,
यहाँ पर दोस्तों जो पी सॉल्यूशन होगा वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों जो पी सॉल्यूशन होगा वो हमारा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि ये फॉर्मूला लगता था हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सारे सॉल्यूशन कैसे हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो बेटा ये फॉर्मूला हमारा लगता है होमोजीनियस सॉल्यूशन के केस में। हेक्सेन टॉल्वीन, हेक्सेन बेंजीन में लगाओ, पानी एथेनॉल में लगाओ, बट बेटा यहाँ पे मत लगाओ, ठीक है? सो होमोजीनियस आइडियल सॉल्यूशन में लगेगा, होमोजीनियस आइडियल सॉल्यूशन में हमारा ये लगेगा, ठीक है? सो यहाँ पे मत लगाओ बेटा, दे आर इमिसिबल लिक्विड। अच्छा, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? यहाँ पर समझना सीन क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों समझना सीन क्या होगा पापा। अपने पास सीन ये है कि अपने पास बेटा पानी होगा, ये पानी है, ठीक है? अपने पास दोस्तों पानी होगा, ठीक है? और अपने पास उसी में ही अपन ने हेक्सेन भी मिला दिया, अपने पास लेट से उसी में ही हेक्सेन मिला दिया, और तुमने बेटा इनको स्टर कर दिया, ठीक है? तुमने बेटा इनको स्टर कर दिया। हालांकि बेटा इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इनकी डेंसिटी अलग होती है, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों सीन समझिएगा, दोस्तों यहां पर सीन समझिएगा कि अगर ये इस तरीके से है, अगर ये बेटा इस तरीके से, जैसे आपने देखा नहीं पानी में तेल तैरता रहता है, जैसे बेटा आपने देखा नहीं पानी में तेल तैरता रहता है, कुछ उस तरह का सीन है। मतलब माना कि बेटा पानी, तेल ऊपर है पानी नीचे है, लेकिन तेल उतना ज्यादा नहीं है ना कि पूरा का पूरा ऊपर की सतह पूरा कवर कर ले, तेल थोड़ा सा ही है, ठीक है? ऑयल ड्रॉपलेट्स है पानी में, जैसे कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स है। सो पूरा का पूरा ऑयल ने बेटा पूरे पूरे पानी को कवर नहीं किया हुआ है, ऐसे ही बेटा पूरे के पूरे हेक्सेन ने, पूरे पूरे पानी ने पूरा पूरा कवर नहीं किया हुआ है। सो ऊपर नीचे है, थोड़ा से साथ साथ ही है, लेयर नहीं बनी हुई है, लेयर नहीं बनी हुई, एंड दे आर नॉट होमोजीनियस, ठीक है? सोल्यूशन ऐसा है कि लेयर नहीं बनने पाई है, और सोल्यूशन हमारा भी होमोजीनियस है, सॉरी सोल्यूशन हमारा नॉन होमोजीनियस है, लेयर नहीं बनने पाई और नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन। अब बेटा ऐसे में सीन क्या होगा? देखो दोस्तों इस बार सोल्यूशन का कंसेप्ट ही नहीं लगेगा बेटा, इस बार सोल्यूशन का कंसेप्ट ही नहीं लगेगा। सोल्यूशन कब लगता है? व्हेन सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरा होमोजीनियस, सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ है, तो सॉल्यूट अपनी प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के साथ शेयर करता है। यहां पर तो कोई प्रॉपर्टी शेयर ही नहीं होगी, हमारा हेक्सेन अलग अलग है, सारी के सारी हेक्सेन की मॉलिक्यूल सिर्फ हेक्सेन के साथ है, सारे के सारे हेक्सेन की मॉलिक्यूल सिर्फ हेक्सेन के साथ है। हेक्सेन का नेबर कौन है? हेक्सेन, ठीक है? पानी के मॉलिक्यूल सारे साथ साथ है, पानी के मॉलिक्यूल सारे साथ साथ है। तो बेटा ये जो हमारा केस होगा, ये जो हमारा केस होगा, यहाँ पे जो पी सॉल्यूशन होगा, प्लीज बेटा याद रखना, यहाँ पे जो पी सॉल्यूशन होगा वो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के फॉर्मूले से आएगा, ठीक है? नो मैटर उनका मोल फ्रैक्शन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं यार, नो मैटर ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या, उससे कोई मतलब नहीं। यहां पर दोनों के दोनों लिक्विड इंडिपेंडेंट लिक्विड के तरीके से बिहेव करेंगे, यहां पर दोनों के दोनों लिक्विड इंडिपेंडेंट लिक्विड के तरीके से बिहेव करेंगे। देखो दोस्तों होगा क्या, आपने इसको कुछ ऐसे ट्रीट करना है, आपने बेटा इसको ऐसे ट्रीट करना है, ये हिस्सा पानी है, ये हिस्सा हेक्सेन है, ये हिस्सा पानी है, हिस्सा हेक्सेन है। जो पानी का हिस्सा है वो पूरा पानी का है, जो पानी का हिस्सा है वो पूरा पानी का है, जो हेक्सेन का हिस्सा है पूरा का पूरा हेक्सेन का है, जो पानी का हिस्सा है पूरे पानी का है, जो हेक्सेन का हिस्सा है पूरे हेक्सेन का है। पानी के कारण वेपर प्रेशर पी नॉट ए, हेक्सेन के कारण वेपर प्रेशर पी नॉट बी, टोटल सम कर देंगे, टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ये दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू थिंक अबाउट, यू हैव टू फील द सिचुएशन। सोल्यूशन है नहीं यार, ए अलग है, बी अलग है, ए अलग है बेटा, सिर्फ ए, ए, ए ही के साथ है। अब ए ए के साथ है तो इट विल बिहेव लाइक अ प्योर ए, और प्योर ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए होता है। बी बी के साथ है सर, बी विल बिहेव लाइक अ प्योर बी, और बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी होगा, सो टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी होगा, ठीक है? ये दोस्तों यहाँ पर पी सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। अब बेटा मान लो लेट से हमसे यहाँ पे वाई ए वाई बी का फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है? सो अगर हमसे कोई वाई ए वाई बी का फॉर्मूला पूछ लेगा तो भी बता देंगे कि वेपर का कंपोजिशन क्या होगा, वेपर का कंपोजिशन क्या होगा उसके बारे में बता देंगे। सो बेटा वाई ए वाई बी का फॉर्मूला होता था पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और वाई बी का फॉर्मूला होता था पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी।
एंड गाइस ये फॉर्मूला हमारा लगता था कब, होमोजीनियस सॉल्यूशन के केस में, और इस बार होमोजीनियस सॉल्यूशन है ही नहीं दोस्तों। इस बार हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है ही नहीं, इस बार हमने भी तो कैसे ट्रीट करना होगा दोस्तों। इस बार तो हमारे लिए ये दोनों इंडिपेंडेंट लिक्विड के तरीके से ट्रीट करेंगे, इस बार ये दोनों के दोनों बेटा इंडिपेंडेंट लिक्विड के तरीके से ट्रीट करेंगे। एक्सए को तुमने यहाँ पे भी वन रखा था, एक्सबी को तुमने यहाँ पे भी वन रखा था, तो जैसे तुमने एक्सए एक्सबी को यहाँ पे वन रखा था वैसे यहाँ पर भी एक्सए एक्सबी को वन कर दो। ए अकेला ए के साथ है, बी अकेला बी के साथ है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा वाई ए वाई बी का फॉर्मूला इनमिसिबल लिक्विड के केस में। प्लीज 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 याद रखना, एडवांस लेवल के लिए बहुत जरूरी है ठीक है। सो वाई ए का फॉर्मूला पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, वाई बी का फॉर्मूला पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सीन होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री। गाइज हम लोग के पास अगली प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2019 की ठीक है। 2019 में बच्चों वेपर प्रेशर के ऊपर एक सवाल आया था, सो इस एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, कंसेप्चुअल सेशन में दोस्तों इस सवाल को हम लोग आइए चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए सवाल में हमको क्या दिया हुआ है, हमको एक सॉल्यूशन दिया गया है जो कि इक्विमोलर है। अच्छा बाय द वे सवाल आपको ऊपर भी दिख रहा है, बट मैंने यहाँ पे बेटा डेटा अपने लिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। सो बेटा हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये सॉल्यूशन कैसा है, इक्विमोलर। अच्छा इक्विमोलर मतलब सेम मोल्स ए के हैं, सेम मोल्स बी के हैं, अगर ए के मोल एक्स हैं तो बी के भी मोल एक्स होंगे, तो मोल फ्रैक्शन एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स मतलब 1 अपॉन 2 हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ए और बी का 1/2 होगा। सो वी हैव एन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। इस इक्विमोलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 45 टोर है, वेरी गुड। और एक दूसरा सॉल्यूशन बेटा लिया हुआ है सॉल्यूशन 2। सो ये सॉल्यूशन 1 है ठीक है, और ये हमने सॉल्यूशन 2 लिया हुआ। सो एक दूसरा सॉल्यूशन लिया गया है जहां पर ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी है ठीक है। इस सेकंड सॉल्यूशन में एक्स ए और एक्स बी का, सॉरी ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी है। अब अगर ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी होगा तो इस केस में जो वेपर प्रेशर हमको मिला दैट इज 22.5। सो बेटा इस केस में जो हमको वेपर प्रेशर मिल रहा है दैट इज 22.5 टोर ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर टी, जिस टेम्परेचर पे दोनों बेटा एक्सपेरिमेंट्स किए गए, सो लेट से अगर हमसे पूछ रहा है कि अगर बेटा टेम्परेचर टी पे पी नॉट ए 20 टॉर है, तो हमें इस सेकेंड सॉल्यूशन में एक्स ए और एक्स बी के मोल फ्रैक्शन का रेशियो बताना है। प्लीज जल्दी से करिए सवाल को, सारे फॉर्मूले आपने पढ़ा पता हुआ है आप लोगों को, आइडियल सॉल्यूशन है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूले लगा दो ठीक है, जस्ट गो हैड सॉल्व करिए और इंटीजर टाइप सवाल का आंसर निकालिए ओके। सो आई गेस आपने बेटा इस सवाल को ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं भी आपके साथ बेटा इस सवाल को करता हूं। सो बेटा पहले सॉल्यूशन में हमारे पास पी सॉल्यूशन, बेटा पहले केस में हमारे पास पी सॉल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा। दोस्तों पहले वाले केस में हमारे पास पी सॉल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा ठीक है। पी सॉल्यूशन कितना दिया गया 45 टॉर, P सॉल्यूशन कितना दिया गया 45 टॉर, एंड P नॉट A नहीं पता यार, XA 1/2 है, P नॉट B नहीं पता, XB 1/2 है ठीक है। तो यहां से दोस्तों इक्वेशन आ जाती है P नॉट A प्लस P नॉट B इक्वल टू 90, एंड चूंकि P नॉट A हमको दिया गया 20, सो P नॉट B हमारा निकल के आ जाएगा ठीक है। सो पी नॉट बी दोस्तों निकल के आ गया 70 ठीक है। गाइस पी नॉट बी हमारा निकल के आ गया 70, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आते हैं दोस्तों अगले वाले केस पे। सो इन सेकंड प्रॉब्लम दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम में हमको क्या दिया गया, टोटल वेपर प्रेशर 22.5 है, टोटल वेपर प्रेशर 22.5 है, बट इस बार मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी है। चलो यार इक्वेशन बनाते हैं। सो इन सेकंड सॉल्यूशन पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एक्स ए एक्स बी हमें नहीं पता बट पी नॉट बी पता है, पी नॉट ए 20 है एंड पी नॉट बी 70 है, अभी हमें निकाला है, एंड द पी सॉल्यूशन इज 22.5। मेरे प्यारे बच्चों बताइए ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है एक्स ए एक्स बी, ये एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है एक्स ए एक्स बी, कैसे सॉल्व करें इसको बेटा। एक दूसरी इक्वेशन होती है, प्लीज 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 दिमाग में याद रखना कि अगर हमारे पास दो एक सोल्यूशन है, अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, जिसमें दो कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है।
सो एक्स ए प्लस एक्स बी वन होगा। अगर तीन कंपोनेंट्स हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी वन होगा। चार कंपोनेंट्स हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी वन होगा। सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है दोस्तों, इसको याद रखना ठीक है। सो हम एक्स बी को बेटा एक्स बी को वन माइनस एक्स ए कर लेते हैं, वन माइनस एक्स ए कर लेते हैं और अब बस इसको सीधे सीधे यार ओरली सॉल्व कर लेते हैं। अब यार इसको सीधे सीधे ओरली सॉल्व कर लेते हैं तो उधर जाएगा तो अपना ही हो जाएगा 47.5 और ये इधर आएगा तो 50 हो जाएगा। सो एक्स ए हमारा हो जाएगा 47.5 अपॉन 50, एक्स ए अपना हो जाएगा 47.5 अपॉन 50 और एक्स बी हमारा 1 माइनस एक्स ए करेंगे सो 2.5 अपॉन 50 होगा। और अब अगर बेटा मैं एक्स ए अपॉन एक्स बी का रेशियो लूंगा तो 47.5 अपॉन 2.5 ये बेटा हो जाएगा 19। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 19 ठीक है, ये दोस्तों हमारा 19। सो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, सीधे सीधे हमसे बेसिक चीजों को अप्लाई करवा रहा है, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग जो डेरिवेशन वगैरह होते हैं उसके बारे में हमसे पूछ रहा है ठीक है, कि आपको एटलीस्ट डेरिवेशन अच्छे से मामला एकदम क्लियर हो। अच्छा सवाल की जो लैंग्वेज है देखो थोड़ा बहुत लंबा लंबा कर करा के आपको डराने की कोशिश करता है। जेई एडवांस में एटलीस्ट 30-40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेफिनेटली स्कोरिंग होते हैं ठीक है, और बाकी सवालों में बेटा आपको थोड़ा बहुत मतलब वो ट्विस्टेड होते हैं, बाकी सवाल ट्विस्टेड डोंट से कि टफ होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं ठीक है। सो ये दोस्तों हमारा सवाल था और बेसिक सीधे सीधे आइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मूले वगैरह लगाए हमने और ये चीज किया। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले एडवांस की प्रॉब्लम पे। ओके फ्रेंड्स आगे हम लोग अपनी अगली प्रॉब्लम पे जो है कि जेई एडवांस 2013 की प्रॉब्लम, थोड़ी सी पुरानी प्रॉब्लम है लेकिन जबरदस्त प्रॉब्लम है, बढ़िया कंसेप्ट हमको सिखा के जाती है ठीक है। गाइस इस सवाल में हमको दिया हुआ है, ऊपर सवाल एकदम आपको दिख रहा है ठीक है, इस सवाल में दोस्तों हमको दिया हुआ है कि अगर बेंजीन और नैप्थलीन, बेटा अगर बेंजीन और नैप्थलीन हमारे आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ऐसे केस में कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे ठीक है। सो डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो एंड डेल्टा एच हमारा जीरो। सो आई गेस यहाँ पर जो सारी की सारी चीजें हैं सो दैट इज रिस्पॉन्स टू हमारा ठीक है फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट। ओके सो मिक्सिंग ठीक है, सो बेंजीन और नैप्थलीन जब मिक्स कर रहे हैं दे आर फॉर्मिंग आइडियल सोल्यूशन। सो फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, सो गाइस फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन ये हमारा प्रोसेस है बेटा, ये हमारा प्रोसेस। सो ये हमारा प्रोसेस, आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया और आइडियल सोल्यूशन बनाया, सो दिस इज योर प्रोसेस ठीक है। अच्छा बच्चों याद करो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है ठीक है, आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है और ए ए का फोर्स बी बी के बराबर होता है और ए बी के बराबर सारे फोर्सेस आपस में बराबर होते हैं ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन केस में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, सो दैट इज करेक्ट चीज ठीक है भाई, ये हमारा करेक्ट होगा। अच्छा डेल्टा एस सब सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। देखो मिक्सिंग जो होता है बेटा, गैस की मिक्सिंग होगी, सल्यूट की मिक्सिंग होगी, गैस की मिक्सिंग होगी, सल्यूट की मिक्सिंग होगी। अब प्लीज मेरे स्टेटमेंट को ध्यान सुनना बेटा, मिक्सिंग जब भी आप दो चीजों को मिक्स करते हो तो बेटा मिक्स करने से रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। सो नो मैटर आइडियल सोल्यूशन है या नो मैटर नॉन आइडियल सोल्यूशन है, मिक्सिंग के केस में हमेशा डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव होगा बिकॉज मिक्सिंग ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन रैंडमनेस। कॉपी में लिखा होना चाहिए स्टेटमेंट, कॉपी में लिखा होना चाहिए बच्चों, मिक्सिंग के केस में बेटा हमेशा हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा क्योंकि मिक्सिंग बेटा एंट्रोपी हमारी हमेशा बढ़ती है। सो चाहे आइडियल सोल्यूशन बने या नॉन आइडियल बने डेल्टा एस तो भैया हमारा पॉजिटिव ही होगा। डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला बेटा याद करो थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11, डेल्टा एस सराउंडिंग हमारा हमेशा एक फॉर्मूले से निकालते हैं क्या, माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम अपॉन टी। और चूंकि आइडियल केस में आइडियल सोल्यूशन केस में क्यू हीट जीरो होती है, आइडियल सोल्यूशन के फॉर्मेशन में हीट चेंज जीरो होता है, सो चूंकि आइडियल सोल्यूशन है सो हीट चेंज जीरो होगा, सो डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो होगा। यस दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। एंड डेल्टा जी बेटा सोल्यूट सॉल्वेंट की मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है या नहीं है बेटा, बेंजीन और नैप्थलीन सेम एरोमेटिक नॉन पोलर कंपाउंड है, इनकी मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, यस इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
सॉल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे को लाइट करते हैं, इनकी मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा। अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये हमारा बेटा सही नहीं है। डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा, मिक्सिंग के केस में डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो बेटा ये चीज हमारी सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सी डी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और प्लीज 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 जाइए स्कोर केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड करिए अपने मोबाइल पे, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और सारी की सारी उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में दी हुई है। चलिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा हमारा जेई मेंस और नीट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर। बाय बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच।